साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से गंवा दी। इस सीरीज में मिली हार के बाद विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। वो T20 और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही कप्तानी छोड़ चुके हैं। विराट कोहली ने ट्विटर पर अपने इस फैसले का ऐलान किया। विराट के इस फैसले से क्रिकेट जगत हैरान है, लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर विराट के इस फैसले से बिल्कुल हैरान नहीं हैं। दरअसल क्रिकेटर से कमेंटेटर बने सुनील गावस्कर ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा, मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं। मुझे लगा था कि मैच के बाद ही प्रेजेंटेशन सेरेमनी में वो कप्तानी छोड़ देंगे, लेकिन अगर वो तब ऐसा करते तो लगता कि ये गुस्से में किया गया है, लेकिन इस फैसले से मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं। गावस्कर ने कप्तानी छोड़ने के पीछे के कारण के बारे में भी कहा कि विराट कोहली को शायद लगा हो कि वो साउथ अफ्रीका में इस हार के बाद कप्तानी से हटाए जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह का फैसला लिया हो। सुनील गावस्कर ने आगे कहा कि सीरीज में पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था कि टीम इसे 3-0 से जीत सकती है, लेकिन भारत को 1-2 से हारना पड़ा। ऐसे में फैसला होना जरूरी था। सुनील गावस्कर ने यह भी कहा कि अब भारत को घरेलू सरजमी पर श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेलनी है, ऐसे में नए कप्तान के लिए ये थोड़ा आसान होगा। हालांकि सुनील गावस्कर ने यह भी कहा कि विराट कोहली टेस्ट टीम के सबसे बेस्ट कप्तान हैं और उनके रिकॉर्ड इस बात की गवाही देते हैं।